बात करते हैं पाली की। पाली में धार्मिक आयोजन की भीड़ में घुसकर चेन स्नैचिंग की मोडस ऑपरेंडी वाला बावरिया गिरोह को पाली पुलिस ने 6 महिला सहित 2 युवक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि धार्मिक कार्य के चलते नागा बाबा बगीची से निकली कलश यात्रा के दौरान यह महिलाएं शामिल होकर 4 महिलाओं ने गले से सोने की चेन लूट ली और भागते समय इसी गिरोह ने नया बस स्टैंड पर एक महिला यात्री से भी चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। गृह वारदात कर स्कॉर्पियो ब्यावर की ओर भगत, जिनका कोतवाली पुलिस ने 80 किलोमीटर तक पीछा करके उन्हें दबोच लिया। आरोपी महिलाएं एवं युवक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में सक्रिय बावरिया वीरों के बदमाश है, जो हनुमानगढ़ से 27 फरवरी को स्कॉर्पियो लेकर भीड़भाड़ वाले धार्मिक कार्यक्रमों में महिलाओं से चयन लूटने की वारदात के लिए निकले थे। बीकानेर, जोधपुर, सिहोरी में करीब 7 वारदात कर चुकी है और पाली में गीता भवन में पिछले दिनों धार्मिक कार्यक्रम में भी महिलाओं ने गले से चेन लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जिनके बारे में गिरफ्तार महिलाएं व युवक से पूछताछ जारी है। पाली पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि बावरिया गिरोह पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर में, जयपुर में डेरा लगा कर रहते हैं। गिरोह के लोग ऐसी महिलाओं को साथ रखते हैं जो खुद सुरक्षा के लिहाज से जीप में ही सवार रहते हैं। भीड़ में आरोपी महिलाओं की रेकी करती है और टारगेट लेकर महिला श्रद्धालुओं की घेराबंदी करके खड़ी हो जाती है और शोर मचाने पर बाकी महिलाएं आरोपियों को बैकअप टीम के रूप में भीड़ में शामिल होकर और बैकअप करके भगाने में मदद करती है। इसके बाद सभी महिलाएं अलग अलग साधन पकड़कर स्कॉर्पियो तक पहुंचे और वहां से फरार हो जाती है। जैसे सामने बताया, कल नाकाबंदी के दौरान पर पुलिस ने इसी गाड़ी, हमने जो नंबर दिए थे उसी गाड़ी को दस्तियाब करके और इन महिलाओं को और 2 पुरुषों को दस्तियाब कर लिया। हमारी पुलिस, हमारी टीम भी रवाना होके और हमारे लेडी सब इंस्पेक्टर, उन्होंने उनको दस्तियाब करके यहाँ लिया है, जिन्हें मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त कर महिलाओं को रात्रि के समय गिरफ्तार किया गया और हमारे जो थाने का जो माल है वो हमने बरामद कर लिया है। इंडस्ट्रियल एरिए की तफ्तीश से मुकदमा दर्ज है, तो वो प्रोडक्शन वाहन से उन्हें प्राप्त करके अपने तफ्तीश करेंगे। अभी तक गिरोह ने कितनी वारदातें कबूल की? अभी कबूल की है एक तो हमारी कोतवाली की और 3 औरतों की चेनें वहाँ पे गणेश मंदिर में छीनी है, जिसका मुकदमा दर्ज है और इंडस्ट्रियल एरिया थाने की, और 1 स्वरूपगंज थाने की है, इन्होंने कबूल की है। जी, कितने टाइम से, कुछ बताया वादा कितने टाइम से ये कर रहे हैं? वो तो ये इनके पहले से ये कि गांव के है और ये इसमें आदतन है बता रहे, जबकि तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूछताछ में और भी लेंगे एविडेंस। ये क्या पूरे एक ही परिवार के हैं या कहीं किसी गाँव के? या पूरी एक ही जगह के रहने वाले हैं जी। कितने लोग होंगे इसमें कुल मिलाकर? ये टोटल 8 लोग हैं, 2 पुरुष है बाकी महिला है। घटना है इसमें कोतवाली थाना हल्के में संगीता जी जोशी है, इन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि ये बस से जा रहे थे तो यात्रा के दौरान इनके हाथ में बच्चा था और एक कोई महिला आई और उसने अचानक से उनके गले में पहनी हुई चैन जो थी वो छीना झपटी करके ले ली उनसे। तो इस पर तुरंत जो है मामले गंभीरता को देखते हुए SP साहब ने तुरंत विशेष टीम गठित करके और इसको खुलासा करने के लिए निर्देश प्रदान किए। तो SHO साहब कोतवाली इनके निर्देशन में टीम ने प्रयास किए, CCTV फुटेज वगैरह सारे चेक किए और आसूचना के माध्यम से प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान स्वरूपगंज सिरोही से भी एक क्वेश्चन आई कि वहाँ पर भी ऐसी कोई घटना हुई थी, तो जो हमारे जवान हैं इन्होंने इस दोनों घटनाओं का मिलान करते हुए ये जानने की कोशिश की कि इसमें दोनों में एक ही गिरोह सक्रिय हो सकता है क्या। तो CCTV फुटेज से काफ़ी हमें चीज़ें क्लियर हुई और इसी दौरान ये भी सूचना मिली थी कि इंडस्ट्रियल एरिया में वैसी 2-3 घटनाएं कल किसी धार्मिक समारोह के दौरान हुई थी। तो टीमें इसके लिए प्रयासरत थी, काफ़ी हमें अच्छा इनपुट इसके अंदर मिल गया था और उसकी सहायता से जो है हमने आगे बर पुलिस को इसकी इतला दी कि किसी गाड़ी के अंदर सवार होकर ऐसी इस तरह की इस उलिया की महिलाएँ जो है वो उस तरफ आ रहे हैं, तो आप नाकाबंदी करवाइए। इसमें आगे की जो अपडेट है वो SHO साहब बताएंगे।